हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वर ज्ञान HKG स्वर ज्ञान। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12, जो है आई की मात्रा। क्या है? आई की मात्रा। ठीक है, यह है आई और यह है इसकी मात्रा। ध्यान से देखो, यह जो है आई की मात्रा है। ठीक है, यह है बड़ी आई और यह इसकी मात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यह बड़ी आई की मात्रा जो है व्यंजन के साथ आती है, तो इसकी आवाज़ जो है लंबे समय के लिए और ऊंचे स्वर में की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्णों के साथ आई की मात्रा को जोड़कर इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, यह कौन सा वर्ण है? क। क में आई की मात्रा को जोड़ना है। ठीक है, यह जोड़ का निशान यहाँ पे दे रखा है। क, क में आई की मात्रा जोड़ना। क, क पर आई की मात्रा कए। ख, ख में आई की, यह वर्ण जो है ख, यहाँ पे जोड़ का निशान है आई की मात्रा, तो क, ख में आई की मात्रा जोड़नी है। ठीक है, ख, ख पर आई की मात्रा खै। च, च पर आई की मात्रा जोड़नी है। च, च पर आई की मात्रा चय। ट, ट पर आई की मात्रा टय। यहाँ पे देखो, सभी वर्ण जो दे रखे हैं, इन वर्णों में आई की मात्रा आपको भी जोड़कर इसका उच्चारण जो है बार बार करना है, इनको बार बार पढ़ना है। छ, यहाँ पे जोड़ का निशान है आई की मात्रा, तो इसको जोड़कर पढ़ेंगे। छ, छ पर आई की मात्रा छय। ज, ज पर आई की मात्रा जय। ट, यहाँ पे जोड़ का निशान है आई की मात्रा है। ट, ट पर आई की मात्रा टय। ठ, ठ पर आई की मात्रा ठय। न, यहाँ पे जोड़ का निशान है आई की मात्रा न। प, प पर आई की मात्रा प। ठीक है, तो यहाँ पे भी दे रखे हैं आपके जो अक्षर दे रखे हैं उसके साथ में जोड़ का निशान है और ये आई की मात्रा है, आपको जोड़कर इनका उच्चारण करना है। ठीक है, अब देखते हैं वर्णों में मात्रा को जोड़कर पढ़िए। तो यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं, तो इनमें हमको मात्रा को जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, यह क्या है? बैल। क्या है? बैल। वैसे तो आप चित्र देखकर पहचान सकते हैं, यह पैसा है, यह पैर है, थैला, डकैत, कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको वर्णों को जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, ब जोड़ का निशान है आई की मात्रा, फिर जोड़ का निशान है ल, तो अब इन सबको आपको वर्णों को जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ब। क्या है? ब, उसमें क्या जोड़ना है? आई की मात्रा। ब, ब पर आई की मात्रा ब। फिर क्या है? ल, बैल। क्या है? बैल। उसके बाद में है प, फिर जोड़ का निशान आई की मात्रा, फिर जोड़ का निशान है र। अब इन सबको साथ में जोड़ना है। प, प पर आई की मात्रा प, र, पैर। फिर यहाँ पे है प, जोड़ का निशान है आई की मात्रा, जोड़ का निशान है सा, प, है, सा, पैसा। कैसे पढ़ेंगे? पैसा। प, प पर आई की मात्रा पैसा। फिर यहाँ पे है थ, जोड़ का निशान है आई की मात्रा, जोड़ का निशान ला, थ, थ पर आई की मात्रा को जोड़ना है थे ला। कैसे पढ़ेंगे? थे ला। फिर यहाँ पे देखो, तीन तीन अक्षर वाले हैं, तो तीन अक्षर को जोड़ना है साथ में आई की मात्रा को भी। ड, जोड़ का निशान, क, जोड़ का निशान
आई की मात्रा, फिर जोड़ का निशान, फिर त, तो इनको जोड़ना है। ड क आई की मात्रा के त, डकैत। कैसे पढ़ेंगे? डकैत। यहाँ पे फिर तीन अक्षर दे रखे हैं, साथ में आई की मात्रा है, क जोड़ का निशान है, आई की मात्रा है, फिर जोड़ का निशान है, म जोड़ का निशान है, रा। तो अब इन सबको साथ में हम जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क, उसके ऊपर कौन सी मात्रा लगानी है? आई की मात्रा। क आई की मात्रा के म रा, कैमरा। क्या हो गया? कैमरा। तो ऐसे ही आपको वर्णों को जोड़कर इसका उच्चारण करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके इसके पेज नंबर 28 पे शब्द दे रखे हैं आई की मात्रा वाले, ठीक है। तो अब इनको आपको जो ये वर्ण की जो ऊपर रेड कलर की दिख रही है आई की मात्रा है, जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, ठीक है, यह आई की मात्रा जो कि वर्ण के ऊपर लगती है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ में शब्द जो है इसका उच्चारण करेंगे और आपको भी साथ साथ में इसका उच्चारण करना है। यहाँ पे जो रेड कलर की दिख रही है अक्षर के ऊपर क्या है? आई की मात्रा है, ठीक है। सैर, क्या है? सैर। बैर, गैर। तैर, खैर। बैल, मैल। चैन, नैन। रैन, भैया, मैया। कैसा, जैसा, वैसा, ठीक है। पैना, नैना। थैला, फैला, मैला। डकैत, लठैत। हैरान, मैदान। शैतान, सैनिक, दैनिक। गवैया, कपरेल, नैनीताल, ठीक है। तो यहाँ आई की मात्रा है, जैसे कि सैर, बैर, गैर, तैर, खैर। तो ऐसे आपको इसका उच्चारण करना है, जैसे मैंने किया है आपको भी साथ साथ में करना है। बैल, मैल, चैन, नैन, रैन, ठीक है। तो इन शब्दों का आपको उच्चारण जितनी बार आप करोगे तो आपको आई की मात्रा पढ़ना आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आई की मात्रा जो है अक्षर के वर्ण के ऊपर लगती है, ठीक है। आपको पहले मात्रा की पहचान होनी चाहिए, फिर उसके बाद में एक एक वर्ण के साथ में आपको मात्रा जोड़कर उच्चारण करना है। अब देखो देखो, पढ़ो और समझो। मैं ये पढ़ रही हूँ, आपको भी साथ साथ में इसको उच्चारण करना है, बोलना है बार बार। कैलाश, यहाँ पे रेड कलर की जो है वर्ण के ऊपर आई की मात्रा, क्या है? आई की मात्रा। कैलाश व नैना मित्र है। कैलाश व नैना सुबह सैर पर जाते हैं। कैलाश एक कुशल तैराक भी है। वह नैना के साथ, नैना परेशान थी तभी कैलाश अपना कैमरा लेने आया। नैना ने उसे सच बता दिया। कैलाश बहुत दुखी हुआ। वह घर आया, घर से पैसे लिए। वह बाजार से एक नया कैमरा ले आया। कैमरे के लिए नैना ने भी पैसे दिए। तो यह जो मैंने पढ़ाया था आपको, इसका उच्चारण करना है, आपको भी इसको पढ़ना है। ये जो ऊपर रेड कलर की है ये आई की मात्रा है, आपको इसका बार बार उच्चारण करना है ताकि आपको आई की मात्रा पढ़ना
आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, यह बड़ी आई है, यह इसकी मात्रा है जो वर्ण के ऊपर लगती है। सबसे पहले आपको एक एक वर्ण के साथ